फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। भारत की परंपरा सदियों पुरानी है। भारत एक विविधता का देश है। भारत की महानता सबसे बड़ी है। हम सबको भारतीय होने का गर्व है। भारत में अनेक जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारी महानता है। दिल की अरमानों में हमारा भारत बसा हुआ है। तिरंगा भारत का आसमान में गर्व से लहरा रहा है। भारत में इत्याद भारत की शान है। प्यारी भारत माँ सबकी जान है। भारत की अखंडता सबसे महान है। सबसे महान है। सबसे महान है। नमस्कार नमस्कार पंडित जी, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? न जाने कहाँ से आ जाते हैं चुटकी बजा के। अरे जोशी जी मिल गए चुटकी बजा के। नमस्ते नमस्ते पंडित जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो जोशी जी? बस ठीक हूँ, भगवान की कृपा से। अच्छा हुआ आप मुझे रास्ते में मिल गए, वरना मैं खुद आपके मकान आने वाला था। ऐसी क्या बात है पंडित जी? अपनी लक्ष्मी बिटिया के लिए एक अच्छा रिश्ता है मेरे पास। लड़का सुशील मेहनती पढ़ा लिखा है और विदेश में काम कर रहा है, और खानदान भी अच्छा है। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लक्ष्मी बिटिया को दिखाएंगे? आप जब चाहे दिखा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम कल सुबह 10 बजे आपके घर पे आ जाते हैं। ठीक है, जरूर आइए। ठीक है चुटकी बजा के। नमस्ते। ठीक है पंडित जी। राजू बेटा, इस गाड़ी में क्या खराबी है देख लेना। शाम में इसका मालिक आ रहा है बेटा, जल्द से जल्द ठीक कर देना। ठीक है सर, कर दूंगा। अरे यार कुरेशी, क्या कर रहे हो? अरे यार जोशी, कैसे आना हुआ? बैठ यार। हाँ बता। पंडित जी बता रहे थे तेरी भतीजी लक्ष्मी के लिए एक अच्छा रिश्ता है, वो विदेश में काम कर रहा है, वो कल देखने आएंगे। सुबह 10 बजे भाभी को लेके घर पे आ जाना। जरूर जरूर आएंगे। और संजय बेटे का दुबई में क्या हाल है? सब ठीक है, कल ही फोन पे बात किया। सब खैरियत से है ना? हाँ ठीक है। अरे कुरेशी मुझे चलना है। ठहर, थोड़ा चाय पी के जाना। नहीं मैं थोड़ा जल्द में हूँ। थोड़ा चाय पी के जाना था। Thank you.
लड़का जी कार धीरे चलाइए, सामने से बच्चे गुजर रहे हैं आड़े टेढ़े चुटकी बजा के। सरस्वती मेहमान आ गए। आइए 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 पंडित। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। चलिए चलिए। अरे चश्मा कहाँ गया? अब ठीक है जोशी जी। ये हैं रवि शर्मा जी और उनकी धर्म पत्नी जयश्री जी, उनका बेटा अजय, और ये है शर्मा जी के मित्र जगदीश जी, और ये है राजेश पाटिल जी, मोहन जोशी साहब के खास मित्र मोहम्मद कुरैशी, और उनकी बेगम असमा जी, और ये हैं सोशल वर्कर नजीर भाई। लक्ष्मी बिटिया को अंदर से बुलाई है। चुटकी बजा क्या ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है। तुम कहाँ तक पढ़े हो? मैं बीए पास हूँ। अजय बेटा तुम्हें लड़की पसंद है? एक्चुअली मैं माँ। हाँ बेटा अजय, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? अंकल जी मैंने बीए की है। जॉब कहाँ कर रहे हो? एज ए इंजीनियर कनाडा में जॉब कर रहा हूँ। जोशी साहब, लक्ष्मी बिटिया तो हमको सबको पसंद है, मगर एक शर्त है। अरे ये और क्या शर्त लगा रहा है? शादी एक महीने के अंदर ही कर देना चाहिए। शर्मा साहब बात तो ठीक है, हमें भी ये रिश्ता पसंद है, लेकिन एक महीने में शादी मैं नहीं कर सकता। आप लोग हमें एक साल का वक्त देंगे तो ठीक होगा। जरा अंदर आइए। एक मिनट। आया अजी, एक महीना में शादी क्यों नहीं हो सकती? शादी के लिए हमारे पास पैसा है। अरे सरस्वती, तुम समझते पर भी ऐसी बात करते हो। हम फातिमा को भी लक्ष्मी बिटिया की तरह पाले हैं। शादी के लिए और भी अच्छा रिश्ता मिल सकता है। फातिमा बेटी की MBBS की फीस भरनी है। भगवान पर भरोसा रखो। क्या है जोशी, क्या हुआ? देखो भाई साहब, अब आप ही अपने भाई को समझा दो। शादी के लिए हमारे पास पैसा है, लेकिन एक महीना में शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाभी का सही है। अरे कुरैशी, तू जानता है फातिमा बेटी की MBBS की पढ़ाई चल रही है, के लिए मैं पैसा रखता हूँ। संजय बेटा तो अभी अभी दुबई गया है, ये वहाँ से पैसे भेजेगा तो अगले साल मैं शादी करूँगा। अरे जोशी भाई, तेरी कितनी अच्छी सोच है। अगर दुनिया के तमाम लोग तेरे ऐसा सोचेंगे तो ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। हम उन्हें एक साल का वक्त मांगेंगे ना तो वो नहीं देंगे। अरे रिश्ता मैं खोना नहीं चाहती। भाभी आप तसल्ली रखो, जरूर एक महीने में लक्ष्मी बेटी की शादी भी होगी और फातिमा की पढ़ाई भी होगी। चल जोशी, मेहमानों के सामने हाँ कह दे। ये कैसा हो सकता है? अरे मैं हूँ ना। चलो। हाँ बाबा हाँ, चलता हूँ। चलो। शर्मा जी, हम एक महीने में शादी कर देंगे, अगर आपकी कोई मांग हो तो बोल दीजिए। अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, और दहेज लेना भी बुरी बात है। साक्षात लक्ष्मी हमारे घर चल के आ रही, और क्या चाहिए हमें।
शर्मा अच्छा हुआ, रिश्ता पक्का हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुबारक हो शर्मा जी, मुबारक हो, अब तो धूमधाम से शादी मनाएंगे। ठीक है जोशी साहब, हम चलते हैं, जल्द से जल्द शादी की डेट फिक्स करेंगे। नमस्कार, चलो अच्छा हुआ रिश्ता पक्का हो गया, उनका काम जब होगा सो होगा, मेरा तो काम हो गया। चुटकी बजा के जी सुनते हैं जी। बेगम बोलिए। लक्ष्मी बिटिया की शादी की जिम्मेदारी तो आपने ले ली है, करेंगे कैसे? अरे बेगम आपको तो पता है हमारे पास पैसा भी है, इस मर्तबा हमारा हज के लिए नंबर भी लगा है, इस मर्तबा हम हज को ना जाकर वही पैसा लक्ष्मी बेटी की शादी में लगाएंगे, इस तरह तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल खुश हो जाएंगे, इंशाल्लाह हम अगले साल हज पे जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, हज के लिए इंशाल्लाह हम अगले साल जरूर जाएंगे। आपने लक्ष्मी बिटिया की शादी की जिम्मेदारी लेके बहुत शौक का काम किया है, देखा नहीं आपने शादी पक्की होने पर लक्ष्मी बेटी कितना खुश थी, दुआ लगेगी हमें उसकी। हाँ जरूर जरूर, अल्लाह उसे खुश रखे।